तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ टिकटॉक हैक्स और उनको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो एक्चुअल में काम करते भी हैं या नहीं। और इन टिकटॉक हैक्स पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं तो मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने पहले टिकटॉक हैक की ओर चलते हैं। तो इस पहले टिकटॉक हैक में इन्होंने एक एंड पोर्टल का यूज़ करा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पर एक एंड पोर्टल बना लेते हैं। और राइट, तो ये हो चुका है और अब हमें तीन ब्लॉक स्टिक करने इसी के नीचे और वहाँ पर लगाने अपने रेडस्टोन और पिस्टन्स। तो चलो वो काम जल्दी से करते हैं। तो चलो अब ये भी हो चुका है, बस अब हमें पिस्टन लगाने हैं, लेकिन हमें एक कॉर्नर पे पिस्टन नहीं लगाना है और फिर इसके बाद इस एंड पोर्टल को एंडर आइस से फिल कर देना है। तो चलो ये भी हो चुका है, अब हमने इसको फिल कर दिया और ओके। तो यहाँ पर देखो हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है कोने से और बाकी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरफ से एक्टिवेटेड रहता है और अगर हम इसके ऊपर स्टेप करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे एंड वर्ल्ड में। हमारा पहला टिकटॉक हैक तो सक्सेसफुल रहा, तो चलो दूसरी की ओर चलते हैं। माइनक्राफ्ट में हमें मॉब्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, खास कर क्रीपर और ज़ॉम्बीज, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक हैक बनाएंगे और इसमें हम लोग एक ट्रैप करेंगे क्रीपर को और वो हमारे सामने रहेगा लेकिन वो फूटेगा नहीं और हमें मार भी नहीं पाएगा। तो ये इस हैक को आप अपने घर पे लगा सकते हो एक डेकोरेशन की तरह और अपने दोस्तों को डरा सकते हैं। तो चलो वो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इस वाले हैक में सबसे पहले हमें एक बॉक्स में क्रीपर को ट्रैप करना है और उसके बाद एक कोने से वो वॉल हटानी है और वहाँ पर लगाना है ग्लास और फिर साइड में लगा देना है पिस्टन और उसको एक्टिवेट कर देंगे तो जो हमारा क्रीपर है वो ट्रैप हो जाएगा। तो ये हैक भी काम करता है और काफ़ी बढ़िया सा हैक था। तो चलो अब अपने अगले हैक की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट हैक के लिए हमें चाहिए होगा एक नेदर पोर्टल, तो चलो पहले उसे बना लेते हैं। तो इस हैक में बता रहे हैं कि जब हम लोग क्राउच करते हैं शील्ड के साथ तो हमारी शील्ड एक्टिवेटेड रहती है, लेकिन जैसे हम लोग स्वॉर्ड का यूज़ करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसमें बताया कि हम लोग अगर नेदर में जाएंगे क्राउच कर तो हमारी नेदर में शील्ड एक्टिवेटेड रहेगी और साथ ही साथ हम लोग स्वॉर्ड से मार भी सकते हैं। तो इसको ट्राई करने के लिए अभी मैं नेदर में आ चुका हूँ और अभी मेरे हिसाब से तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि जब मैं स्वॉर्ड मार रहा हूँ तो शील्ड हट रही है। एक बार हम लोग स्केलेटन को भी स्पॉन कर ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं हमें मारता है तो हमारी शील्ड हटती है या नहीं। ये हैक बिल्कुल भी काम नहीं करता है और चलते हैं अब अपने अगले हैक की तरफ। ये वाला एक हैक एक डेकोरेशन हैक है और इसमें हमें पहले दो ब्लॉक्स नीचे डिक करने हैं और वहाँ पर सोल सैंड लगा देनी है, उसके बाद वाटर बकेट डाल देनी है उन्हीं दोनों के ऊपर और ऊपर से लगाने हैं दो हनी ब्लॉक और उसके बाद हम लोग दूर से इन हनी ब्लॉक्स के बीच में अगर एंडर पल्स डालेंगे तो एंडर पल्स उसके ऊपर बाउंस करने लगेंगी जो काफ़ी अच्छा दिखता है। अब हमें हैक में तो ऐसे ही दिखाया था पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने कई बार ट्राई करा लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने ये एंडर पल डाला तो मैं हनी ब्लॉक के अंदर ही चला गया, तो सिर्फ मेरा सर ऊपर था, मेरी स्किन को इग्नोर करना, पता नहीं ये क्या हो गया था। लेकिन ये हमारे टिकटॉक हैक बन चुका है जिसमें हम लोग एक अपने से डेकोरेशन बना रहे हैं। तो इस हैक को हम लोग देंगे आधा बस्टेड और आधा पास्ट। तो चलो अब अपने अगले हैक की ओर चलते हैं। तो हमारा ये अगला हैक भी एक डेकोरेशन हैक होगा, इसमें हमें एक पहले पिलर बनाना है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगाना है और पिस्टन के नीचे हमें लगाना है एक रेडस्टोन ब्लॉक और सबसे ऊपर हमें लगाना है एक डेलाइट सेंसर जिससे जब रात होगी तो ये पिस्टन एक्टिवेट हो जाएगा और उनके आसपास में हमें लगा देने कुछ रेडस्टोन लैंप्स, तो जैसे रात होगी वो पिस्टन एक्टिवेट होगा और ये रेडस्टोन लैंप्स खुद से ही जल जाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिखता है नॉर्मल टॉर्चेस को छोड़ दें अगर। तो हमारा ये वाला टिकटॉक हैक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अब हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, पता नहीं मेरी स्किन को अभी भी क्या हो रखा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पुरानी भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं 100 डेज सर्वाइवर की, तो उनको भी देखना मत भूलना। और तब तक के लिए।